इस वीडियो में हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक लैक कल्चर यूनिट थर्ड का नाम है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर्स तो जितने भी कल्चर्स थे आपके यूनिट में वो सभी हमने कवर कर लिए हैं सैरीकल्चर एपी कल्चर एक्वा कल्चर पीसी कल्चर एंड देन रिसेंटली लैक कल्चर तो सभी कल्चर्स वाला टॉपिक तो हो गया अब यूनिट थर्ड में एक पोर्शन आता है एनिमल ब्रीडिंग का जिसमें हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं पोलिट्री एग्जाम में पोलिट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं पोलिट्री क्या होती है कितने तरीके की होती है क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं ये पहला क्वेश्चन बनेगा दूसरा बने बनेगा पोल्ट्री में कौन कौन सी डिजीजे होती हैं तीसरा बनेगा कि क्या पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं और शॉर्ट नोट में इसमें बहुत सारे बन सकते हैं क्योंकि जितनी भी हैं पोल्ट्री की वो सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी क्योंकि कि किसी भी एक को लेकर आपका शॉर्ट नोट बन सकता है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें जिससे कि आपके शॉर्ट आंसर भी तैयार हो जाएंगे पोल्ट्री में देखते हैं द टर्म पोल्ट्री इंक्लूड्स चिकन गीज पिजेंस पी फ्लोज एक्सेट्रा द टर्म पोल्ट्री फार्मिंग कम्प्राइजेस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ पोलट्री एंड इट्स प्रोडक्ट सिम्पली अगर हम पोल्ट्री को समझें इसमें क्या होता है बर्ड्स की कैटेगरी यानी पिजेंस को डग को गीज़ को इन सब को रखा जाता है इनकी फार्मिंग कराई जाती है क्योंकि इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है इनको मार्केट में इनकी वैल्यू होती है इनको सेल किया जाता है इनके जो फैदर्स होते हैं इन बर्ड्स के उन्हें सेल किया जाता है इनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें सेल किया जाता है ठीक है तो इकोनॉमिक वैल्यू की वजह से हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं देन फिर देखते हैं ये ऊपर वाला पोर्शन देख लेते हैं क्योंकि ये मैंने एडिशनल ऐड add किया था क्योंकि मैं अपने नोट्स बना लेती हूँ उसके बाद अगर मैं किसी ऑथर की बुक में कुछ मुझे एडिशनल लगता है तो वो मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेती हूँ इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है कि द वर्ड पोलिट्री इज़ यूज फॉर बर्ड्स विच कैन बी रेज अंडर डोमेस्टिकेशन यानी पोलिट्री वर्ड यूज होता है जब हम बर्ड्स का पालन करते हैं इस वजह से उनको मतलब डोमेस्टिकेट करना इकोनॉमिक पर्पजेज के लिए इकोनॉमिक परपजेज मतलब जो चीज़ें सेल करी जाएं उससे अर्निंग हो उनका अगर डोमेस्ट शन किया जाए तो उसे हम पोल्ट्री कहते हैं बर्ड्स के सेंस में ठीक है द टर्म अप्लाइड टू चिकन टर्की डक गीज एंड सोन तो इतनी तरह की बर्ड्स को गीज को डक्स को हम रखते हैं डोमेस्टिकेशन करते हैं उनका सेकेंड है पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फैट फॉर गुड हेल्थ तो ये जित पोल्ट्री फार्मिंग इसलिए भी करी जाती है क्योंकि जितना भी फ्लैश होता है चिकन का हैन का गूज का ये सब मार्केट में सेल होता है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन इनका इनटेक करते हैं क्योंकि इसमें फैट होता है और एनिमल प्रोटीन होता है जो ह्यूमन बींग इनटेक करते हैं तो इस वजह से भी इसको जो है इसकी फार्मिंग कराई जाती है क्योंकि इसकी वैल्यूएबल चीज़ है ये फिर देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं इट इंग इंक्लूड्स ब्रीडिंग क्यूबेशन ब्रूडिंग फीडिंग मार्केटिंग एंड फार्म मैनेजमेंट तो इनको हम सीरियल वाइज से भी आगे देखेंगे देन पोल्ट्री इज़ अ प्लेस ऑफ कल्चर ऑफ अ नंबर ऑफ बर्ड्स एग्जाम्पल चिकन डक्स टर्की पिजन गीज ऑन लार्ज स्केल मतलब वाइड एरिया में लार्ज स्केल में जब हम बर्ड्स की फार्मिंग कराते हैं उनको रखते हैं उनकी ब्रूडिंग इनक्यूबेशन सब कुछ हम मैनिपुलेट करते हैं फिर उनसे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है उसको सेल करते हैं उससे अर्निंग करते हैं तो वो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग होता है है। यहां पे बर्ड्स के सेंस में ही कहा जा रहा है ठीक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ठीक है अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए ये पोल्ट्री फार्मिंग कराई जाती है फॉर एग एग के लिए मीट के लिए बाई प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज पोल्ट्री फार्मिंग इतनी सारी यूजेस के लिए पोल्ट्री फार्मिंग कराई जाती है ठीक है फिर देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग इज़ बेटर देन कैटल फार्मिंग कैटल फार्मिंग यानी जब काओ को या बफेलो को वो लोग रखते हैं उसके कंपेयर करके कह रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग ज़्यादा बेटर होती है हैज़ मैनी एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी होते हैं फूड मेन्योर रिक्रिएशन एक्सेट्रा फर्टाइल एग्स आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन यहाँ पे ये एक और यूज़ बता रहे हैं पोल्ट्री का कि पोल्ट्री फार्मिंग इस वजह से भी करी जाती है क्योंकि जो वेरियस बर्ड्स के एग होते हैं उनकी मदद से तरह तरह की वैक्सीन्स बनाई जाती हैं ठीक है एग वाइट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल्स एग का जो येलो वाला पोर्शन होता है और एक वाइट वाला पोर्शन होता है वाइट वाले पोर्शन को हम एल्ब्यूमिन कहते हैं तो एल्ब्यूमिन से जो उसका यूज है वो फार्मास्यूटिकल्स में भी होता है ठीक देन पेंट टेक्सटाइल एंड डाइंग बहुत सारे पेंट टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है इस वजह से पोल्ट्री फार्मिंग को बड़ी स्केल पर लार्ज एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है फेदर्स आर वेरियसली यूज फॉर डेकोरेशन कुशन मेकिंग जो फेदर्स होते हैं तरह तरह की बर्ड्स आती हैं और सबके पास अलग अलग तरह के फैदर्स होते हैं तो सारे फेदर्स से कुछ डेकोरेशन का सामान बनता है कुछ कुशंस बनते हैं और तरह तरह के वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंटल्स या चीज़ें बनती हैं द एग प्रोवाइड एनिमल प्रोटीन एट चीप एंड अफोर्डेबल रेट्स और जो हैन के एग होते हैं चिकन के सब एग होते हैं वो उसमें एनिमल प्रोटीन पाया जाता है जो चीपर रेट में अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल होता है तो इस वजह से भी पोल्ट्री फार्मिंग करी जाती है फिर देखते हैं इन इंडिया चिकन अकाउंट्स मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ द पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री में नाइन्टी परसेंट कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है चिकन करते हैं क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा सेल आउट होने वाले हैं उनका फ्लैश उनका जितना भी बाई प्रोडक्ट है वो बहुत यूज़ होता है ट वराइटीज ऑफ चिकन यूज फॉर कल्चर इन पोल्ट्री आर तरह तरह के वेराइटी के चिकन आते हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग में लिए जाते हैं वो कौन से हैं देखते हैं पहला है इंडिजिनस ब्रीड breed, कुछ ब्रीड्स आती हैं जिनको टेक किया जाता है उनका है इंडिजिनस ब्रीड द टर्म देसी ठीक है दो इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं उनको नॉर्मल भाषा में हम देसी कह सकते हैं यूज टू इंक्लूड ऑल इंडिजिनस ब्रीड दीज इंडियन ब्रीड्स और देसी ब्रीड्स आर जेनरली पुअर एग लेयर्स स्लो ग्रोइंग एग आर स्मॉलर इन साइज जो ये देसी या इंडियन ब्रीड्स होती हैं, इनके जो एग का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है इनका ग्रोइंग रेट काफी कम होता है और स्मॉल होते हैं साइज में फेमस इंडिजिनस ब्रीड आर ए सेल चित्ता गोंग एंड बुस्तरा ये कुछ स्पीशीज के नाम है कुछ ब्रीड के नाम है फिर हमारा है एग्जॉटिक ब्रीड एग्जॉटिक ब्रीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्रूव्ड ब्रीड ठीक इन्हें हम इम्प्रूव्ड ब्रीड भी कहते हैं दीज आर फॉलोइंग फोर कैटेगरीज ऑफ एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ हाउस कल्चर्ड इन इंडिया चार तरह की एक्जॉटिक ब्रीड के बारे में हम पढ़ेंगे जो पोल्ट्री फार्मिंग में जनरली लोग कंसिडर करते हैं पहली है अमेरिकन ब्रीड प्रिपेयर बाय क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन मेडिटेरियन एंड एशियन फाउल इन साइड यू एस ए मतलब अगल अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा के उनको पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लिया जाता है कॉमन अमेरिकन ब्रीड आर पॉली माउथ रॉक रोडी आईलैंड रेड रोडी आईलैंड व्हाइट, न्यू हेम्सफेयर एंड वैन डॉट दे आर सुटेबल फॉर बोथ एग लेइंग एंड मीट प्रोडक्शन ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं इनके एग लेइंग जो है वो बहुत ज़्यादा एग भी सेल आउट होते हैं और इनका मीट प्रोडक्शन भी जो मीट है वो भी सेल आउट होता है तो ये कुछ यूजेस थे अमेरिकन ब्रीड के फिर है एशियाटिक क्लास दिस ब्रीड आर प्रिपेयर इन एशियन कॉन्टिनेंट बाई क्रॉस ब्रीडिंग ये भी क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू ही कराया जाता है सुटेबल फॉर मीट प्रोडक्शन और ये मीट प्रोडक्शन के लिए लिया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में कॉमन फेमस वेराइटीज आर ब्रह्मा कोइन एंड लैंगन्स ठीक है ये कुछ ब्रीड थी फेमस एशियाटिक क्लास की देन इंग्लिश ब्रीड इंग्लिश ब्रीड ले ब्राउन शेल्ड एग्स जितनी भी इंग्लिश ब्रीड होती हैं वो ब्राउन कलर के एग्स ले करती हैं नोन फॉर द मीट प्रोडक्शन एंड फेमस वो अपनी तरह तरह वेराइटी के लिए और मीट के लिए अच्छे मीट के लिए फेमस है देन सियक्स कॉर्निश रेड कैप एंड डॉरकिंग ये कुछ ब्रीड है उनकी फिर देखते हैं फोर्थ वेजिटेरियन ब्रीड दीज आर ओरिजिनेटेड इन यूरोप ये यूरोप में पहली बार ओरिजिनेट हुई थी नियर मेजिटेरियन सी स्मॉल साइज होता है इनका मेच्योर जल्दी कर जाते हैं स्टार्ट लेइंग व्हेन फाइव टू तो सिक्स मंथ ओल्ड और जब ये पाँच से छः मंथ ओल्ड हो जाते हैं तब ये एग लेइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दे आर गुड एग लेयर्स अच्छे एग लेयर्स होते हैं कंज्यूम लेस फूड और फूड का इनटेक भी इनका कम होता है फेमस वेराइटीज आर लेगहन माइनकॉन स्पेनिश एंड एनाकॉन एक्से केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पोलट्री बर्ड्स इज कॉल्ड एज रियरिंग जब पोल्ट्री बर्ड्स को हम रखते हैं उनकी फार्मिंग करते हैं तो उनकी केयर करना और उनका मैनेजमेंट करना इसे हम रियरिंग कहते हैं द रियरिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स अब रियरिंग में कुछ स्टेप्स भी हैं जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ एग्स पहले हम एग्स को सेलेक्ट करते हैं फिर इंक्यूबेशन होता है होती है फिर हैचिंग में इनक्यूबेशन नेचुरल मैथड से भी होता है आर्टिफिशियल मैथड से भी होता है फिर हैचिंग में प्रिकॉशंस जो होते हैं वो हमें कुछ प्रिकॉशंस देखने रहते हैं फिर थर्ड पार्ट है ब्रूडिंग ब्रूडिंग क्या होता है ये हम पढ़ेंगे फोर्थ है हाउसिंग उनके हाउस का पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है जो भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है ठीक सॉयल को देखना पड़ता है उनकी शेल्टर और शेड का ध्यान रखना पड़ता है फिर फूड और फीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है ये फाइव पॉइंट तो ये सभी टॉपिक्स मैं डिटेल में, में नेक्स्ट पार्ट में कवर कराती हूँ तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू